कैसा गया भैया पेपर? पेपर तो अच्छा ही गया है, कहा जाए तो पेपर का सबसे बड़ा बात है कि एक न्यू ट्रेंड के तौर पे कहा जाए तो ये जो कॉन्ट्रेक्टर मैनेजमेंट है, हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा पूछने लगा है। तो अभी के समय में कहा जाए तो स्टूडेंट ये सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा जो है ऑप्टेन मार्क्स कर सकता है। और पेपर का लेवल कोई खास नहीं है, लेकिन कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन था कुछ में, और थ्योरेटिकली बेस्ट था, नंबरिकल तो था ही नहीं। और जो भी बच्चा मान के चलिए कि डेली जो करेंट अफेयर्स देखता है और रीजनिंग प्रैक्टिस करेगा और थोड़ा बहुत ध्यान देगा तो उसका रिजल्ट हो जाएगा। लेवल तो वही SSC JEE के इर्द गिर्द ही था, उसी के पैरेलल में था, लेकिन बस इतने थे कि कुछ बोले ना कुछ टॉपिक कंफ्यूजिंग था जो कि स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ही हार्मफुल हो सकता है, वो निगेटिव मार्क्स दे सकता है। निगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे तो उसको क्लियरिंग करने के लिए तो स्टूडेंट को थ्योरी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बस कंसेप्टुअल क्वेश्चन ज़्यादा था नहीं, सारा जो है थ्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन ही था। बोल सकते हैं कि मशीन बेसिक जो है नॉलेज जो था बेसिक इलेक्ट्रिकल से था और पावर सिस्टम था, इस तरह सबसे ज़्यादा मशीन का वेटेज था, फिर बेसिक का, फिर उसके बाद पावर सिस्टम का। सर्किट से भी क्वेश्चन है? सर्किट से भी है, कुछ सर्किट तो था नहीं, बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल। और कोई पेपर में जैसे आया, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये एनालॉग का जो है कुछ ज़्यादा ही इसलिए कंटेक्ट डिस्टेंस कुछ ज़्यादा था, जो कि जो है SSC में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, इसमें अप्रोक्स से 12 से 15 क्वेश्चन था, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और कोई बोलिए, बहुत अच्छा गया पेपर। लेवल उतना हार्ड भी नहीं कर सकते, उतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट का। इसमें एक बात था, हमने 170 किया है, 170। और इसमें मतलब बोला था कि इंजीनियर ड्राइंग पूछेगा और प्रॉपर्टी अपने मतलब मटेरियल जो था मैकेनिक्स का वो 30 क्वेश्चन आएगा, उससे नहीं क्वेश्चन आया था, नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिलेबस में मेंशन नहीं दिया, सिलेबस में मेंशन किया था इतना देंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं था उससे। अब बाकी मतलब मेंटेनेंस से ही सब क्वेश्चन मतलब दिया था। और पावर सिस्टम देखते हैं तो ज़्यादा कवर किया गया। पावर सिस्टम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था और बेसिक सर्किट था और मशीन था, लगभग मतलब सारे चैप्टर को कवर किया। क्वेश्चन कैसा लगा, एक नया ट्विस्ट है? जनरल का क्वेश्चन, टेंडर का ज्यादा क्वेश्चन। हाँ टेंडर, ये मेंटेनेंस का क्वेश्चन बहुत सारा था, बहुत क्वेश्चन था। जीके का क्वेश्चन कैसा लगा? जीके का भी मतलब 20 क्वेश्चन करने लायक था, बाकी करेंट अफेयर में थोड़ा मोड़ा डिफिकल्टी आती मतलब आया थोड़ा। बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल इन वन पॉइंट करके चैनल है, वीडियो आ जाएगा, ऑल इन वन पॉइंट करके है, 1800 सब्सक्राइबर है, ऑल इन वन। चलिए।